स्वर्गीय रामजी मौर्य राहुल के पक्ष चिन्हों पर चलते हुए समाजवादी नेता अभिषेक मौर्य सोनू विधानसभा 186 अमेठी की जनता की सेवा के लिए वचनबद्ध हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशी पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 10 नेशन। फिलहाल वक्त चला है देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के आह्वान पर साइकिल यात्रा निकाली। ये यात्रा अमहट चौराहे पर काशीराम कॉलोनी के पास से निकाली गई। सुल्तानपुर में ब्लॉक दुबेपुर ग्राम सभा बंधुआ कला में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की मौजूदगी में सभी को राशन बांटा गया। अमेठी में भादर ब्लॉक प्रमुख प्रवीण कुमार की मौजूदगी में सरकारी थैले में गरीबी रेखा और इससे नीचे के परिवारों को अनाज बांटा गया, जिससे सभी के चेहरे खिल उठे। अमेठी में थाना जगदीशपुर क्षेत्र में शुक्ल बाजार मोड़ की सड़कें गंदगी का अंबार हो गई हैं, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अयोध्या में मया ब्लॉक के कुंभिया ग्राम सभा में जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। मौके पर वहां जनौस जिलाध्यक्ष कॉमरेड धीरज द्विवेदी समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले में पहुंच गए, जहां उन्होंने सबसे पहले राम जन्म परिसर में रामलला के मंदिर निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया, साथ ही रामलला के दर्शन भी किए। बहराइच में 1045 ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन वितरण एवं प्रधानमंत्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। इसी क्रम में ग्राम पंचायत मलवा भपुरवा के कोटेदार ने सभी को राशन बांटे। बहराइच के नवाबगंज में आगामी मुहर्रम त्योहार को लेकर थाना प्रांगण नवाबगंज में एक शांति कमेटी की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता क्षेत्राधिकारी ने की। रामपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पंडित जनेश्वर मिश्र की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रामपुर के समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार ने हिस्सा लिया। प्रतापगढ़ में थाना जटवारा के कटरा गुलाब सिंह में मॉडल उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल मोहम्मद फरहीन पर फर्जी विद्यालय वाले गलत समाचार वायरल कर रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए ये कहा है कि कोई इन अफवाहों पर विश्वास न करे। वाराणसी में गंगा और उसकी सहायक नदी वरुणा के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए एक ओर जहां प्रशासन हाई अलर्ट जारी कर रहा है, तो वहीं जैतपुर थाना क्षेत्र के नक्खी घाट पुल के ऊपर से कुछ युवक जान को जोखिम में डालकर छलांग लगाते नजर आए, जिसकी एक वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। चंदौली में पंडित जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा के कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकालकर भाजपा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मौके पर धीरज प्रधान, देवेंद्र प्रधान, अनीश मिश्रा समेत कई अन्य लोग वहां मौजूद रहे। बलरामपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री जनेश्वर मिश्र के जन्म दिवस के अवसर पर हरैया सतघरवा में महाराजगंज तराई क्षेत्र तक सपा के कार्यकर्ताओं ने साइकिल यात्रा निकाली। मौके पर प्रदेश सचिव ओंकार नाथ पटेल समेत कई अन्य लोग वहां मौजूद रहे। गोंडा में तरबगंज विधानसभा क्षेत्र में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सपा के कार्यकर्ताओं ने जिले भर में साइकिल यात्रा निकाली। वहीं इस दौरान सभी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भवनापुर विकासखंड में गरीब परिवारों में 5 किलो प्रति यूनिट राशन वितरण किया गया। मौके पर वहां ग्राम प्रधान कमलेश कुमार समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर में थाना त्रिलोकपुर के दिवली डाहा में रहने वाली मुन्नी देवी को घरेलू विवाद के चलते कई चोटें आ गई थी, जिससे फिर महिला हेल्प डेस्क अधिकारी सुजाता राव ने प्राथमिक उपचार किया, साथ ही आरोपी पति पर कार्रवाई की बात भी की है। गोंडा के विकास खंड परसपुर में त्योराशी अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में लोग टीकाकरण कराने के लिए पहुंच गए। वहां भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वहां पुख्ता इंतजाम भी नहीं किया गया था। इस दौरान सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई। रायबरेली में जनेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय से लेकर तहसील स्तर पर साइकिल यात्रा का आयोजन किया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने पार्टी कार्यालय से निकलने वाली साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर वहां से रवाना किया। रायबरेली में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जिले में पहुंच गए हैं। इस दौरान उन्होंने वहां अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। महाराजगंज में राष्ट्रीय नारी शक्ति महिला संगठन की अध्यक्ष आरती बेहरा ने प्रदेश प्रभारी रही सरिता दुबे को उनकी बेहतरीन कार्यशैली को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय सचिव का दायित्व सौंपा है, जिससे उनके सभी समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। गोंडा में एक बच्ची का अपने पिता को याद करते हुए एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बच्ची के पिता अस्पताल में तैनात है, जिनके लिए बच्ची ने एक वीडियो बनाई है।